नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिट ऑफ हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप बढ़िया हैं और करंट अफेयर्स के सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। तो चलिए हम अपना पहले शुरुआत करेंगे पिछली वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन से। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली कौन से कोर्स को अपने करिकुलम में ऐड किया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एडिशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज। The options were home science, blockchain coding, artificial intelligence, Vedic maths. The right answer is in front of you. It is Vedic maths, right? तो अभी इसको डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा। तो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की पहली तो हमें लोकेशन पता होनी बहुत जरूरी है। शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, पॉइंट नंबर वन। नाउ कमिंग टू द न्यूज, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक सर्टिफिकेट कोर्स इन वैदिक मैथ्स अप्रूव किया है, अलॉन्ग विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स। सो बेसिकली दो हम कह सकते हैं कोर्सेज ऐड हुए हैं, जिनमें से कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। द सर्टिफिकेट कोर्स इज इन वैदिक मैथ्स एंड द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज इन आर एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट्स बना लिए हैं इसके, एंड हम आज के सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी नोट पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया ने अभी तक किन कंट्रीज के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग नहीं किया है इनमें से, राइट। तो इसका जवाब सोचिए। तब तक दोस्तों नोटबुक, पेन, पेंसिल हर सेशन में लाएंगे, हम इसके नोट्स भी बनाएंगे एंड वी विल फॉलो आवर रूटीन ऑफ गिविंग आवरसेल्व्स +2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.66 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये ड्रिल हमारी हमेशा हर वीडियो में चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ के नहीं, उन्हें याद करके, उन्हें रिटेन करके जाना है ताकि हम सही जवाब दे सकें, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चंस है ना, तो हमें कम से कम 16 तो ठीक करने ही करने हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स को, और इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो रशिया के साथ ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। एंड द न्यूज इज दैट रशिया के साथ हमारी अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग हुआ है, एंड इसके साथ रशिया बन गई है चौथी कंट्री टू होल्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद इंडिया। तो पहली तीन कौन सी थी? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। नाउ रशिया, राइट। तो याद रखेंगे इन पॉइंट्स को, राइट होती क्या है 2+2 डायलॉग? किसको कहते हैं? तो जब दो अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, किसके? डिफेंस के और एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं टू डिस्कस देयर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स अपनी कंट्री को लेके, तो फिर उसको हम 2+2 डायलॉग कहते हैं। दो मिनिस्टर्स एक कंट्री के, दो मिनिस्टर्स दूसरी कंट्री के, वो दोनों मिलेंगे 2+2 डायलॉग, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री याद रखनी है हमने? डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज। तो पहली कंट्री कौन सी थी जिसने इंडिया के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग किया था? द राइट आंसर इज यूएसए, राइट। जापान के 2+2 डायलॉग्स इंडिया के साथ पहले भी होते थे, उसको हम याद रखेंगे, बट दे वर एट अ सेक्रेटेरिएट लेवल। तो यूएसए के साथ हमारा मिनिस्ट्रियल लेवल का पहला 2+2 डायलॉग हुआ था। एंड नाउ रशिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, राइट। तो हम इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, और इसी के बेसिस पे हमारा जो ये क्वेश्चन था, इसमें से फ्रांस, इसके साथ अभी तक हमारा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग नहीं हुआ है। इनफैक्ट इन चारों में से अभी तक किसी के भी अलावा, किसी भी कंट्री के अलावा, इन चारों के अलावा किसी भी कंट्री के साथ हमारा मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अभी तक नहीं हुआ है, राइट। तो ये चार नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इसके साथ आप ये भी याद कर सकते हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम एंड हमारे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम। इंडियन काउंटर पार्ट्स तो हमें पता ही है, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हैं, राइट। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। कजुवेली बर्ड सैंक्चुरी इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हमारी जो कजुवेली बर्ड सैंक्चुरी है वो कौन सी स्टेट में है? तो ऑप्शंस हैं आपके केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। Kazuveli Bird Sanctuary is in which of the following states? The right answer for this question is option B, that is Tamil Nadu. तो न्यूज़ ये है कि इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट कजुवेली वेटलैंड्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। इनको 16th बर्ड सैंक्चुरी बना दिया गया है तमिलनाडु की। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। जो कजुवेली वेटलैंड है ये 16th बर्ड सैंक्चुरी बनी है तमिलनाडु की। ठीक है, तो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ये, और इसका जो एरिया है 51 हेक्टेयर्स। ठीक है, याद करना इजी रहेगा, 51 ठीक है, 51 हेक्टेयर्स। तो वन्नूर और मरकनम जो तलुक्स है वहाँ के, तो तलुक्स टाउनशिप और तहसील को कहते हैं तमिलनाडु में, वो वहाँ की तलुक्स के एरिया को मिलाकर इसको बर्ड सैंक्चुरी में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो पहले तो विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट एंड देन वन्नूर एंड मरकनम तलुक्स, ये हमें 2-3 नाम याद रखने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम एंड वहाँ के तलुक्स का नाम, राइट। इसको रीजन क्या था बनाने का? तो द एरिया हैज एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल एंड जियोमॉर्फिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्यों? मतलब इससे क्या सिग्निफिकेंस है? ताकि उसको प्रोटेक्ट, प्रोपगेट, डेवलप वाइल्ड लाइफ एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो बेसिकली बर्ड सैंक्चुरी उसको बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली उसको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ के, जो कि होंगे प्रोटेक्शन, प्रोपगेटिंग एंड डेवलपिंग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ओवर देयर। तो ये करने का एक बहुत ही एडिक्वेट रीजन था अथॉरिटीज के पास। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज हैविंग अ catchment area of 670 square kilometers and it is the second largest brackish water lake in South India after Pulicat Lake। तो पुलिकत लेक साउथ इंडिया की सबसे बड़ी हमारी ब्रैकिश वाटर लेक हो जाती है और ये सेकंड लार्जेस्ट, राइट। तो ये हमें पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ नोट्स बना लिए हैं आपने, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके एक बारी इसको फिर से पढ़िए और समझिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नाम, तलुक्स के नाम, देन ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है हमारी। ठीक है, लास्टली 670 स्क्वायर किलोमीटर्स का हमारा कैचमेंट एरिया एंड सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया, राइट। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ, अगले न्यूज़ की तरफ। रिसेंटली इन न्यूज़, Aung San Suu Kyi is a popular leader of which of the following countries? क्या नाम है? Aung San Suu Kyi। Aung San Suu Kyi। ऑप्शंस क्या है हमारे? नेपाल, इंडोनेशिया, म्यांमार या भूटान। तो इनमें से किन कंट्रीज की लीडर हैं Aung San Suu Kyi? द राइट आंसर इज म्यांमार, राइट। तो डिस्कस करते हैं कि न्यूज क्या है। तो म्यांमार की जो लीडर थी ओंग सान सू की, उनको 4 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है बाय अ स्पेशल कोर्ट। तो थोड़ा सा इस बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इंटरनेशनली। तो ओंग सान सू की एक बर्मीज़ पॉलिटिशियन है, तो म्यांमार का नाम बर्मा भी था, ठीक है। तो बर्मीज़ पॉलिटिशियन है, एक ऑथर है एंड शी इज़ अ नोबेल पीस प्राइज विनर इन 1991। तो 1991 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। वो स्टेट काउंसलर रह चुकी है म्यांमार की। स्टेट काउंसलर म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होता है, राइट, मतलब इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। म्यांमार में उनको स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार कहते हैं, राइट। मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी रही हैं वो। तो फेब 2021 में इलेक्शंस हुए, वहाँ पर उन्होंने फिर से वो इलेक्शंस जीती, बट उसी वक्त ड्यू टू सम प्रोटेस्ट्स, ड्यू टू कंट्री के अपने रीजंस थे, उसके कारण मतलब मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया पूरी गवर्नमेंट को, राइट, पूरी कंट्री को। तो मिलिट्री ने उनके ऊपर 11 चार्जेस लगाए, जिनमें से कि 2 चार्जेस के अंडर उनको 4 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है, राइट। तो क्या क्या पॉइंट्स याद करने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओंग सान सू की कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो म्यांमार की स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं, राइट। सेकेंडली 1991 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। एंड फॉल कैसे हुई गवर्नमेंट? इलेक्शंस हुए ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, सो बोथ द थिंग्स प्लेड आउट रॉन्गली एंड हमारी वहाँ की जो वो थी, क्या कहते हैं, मिलिट्री थी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया कंट्री को। सो बेसिकली द कंट्री इज़ नाउ अंडर मिलिट्री रूल, राइट। तो उसी के अंडर ओंग सान सू की को इम्प्रिजनमेंट भी सुनाई गई है ऑफ 4 इयर्स अंडर 11 चार्जेस एंड ये इम्प्रिजमेंट अभी सिर्फ 2 चार्जेस के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। तो चलें फिर अगले न्यूज़ की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज एक्वेरिन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्वेरिन, राइट। ऑप्शंस आर यूएसए, रशिया, म्यांमार या मालदीव्स। तो इनमें से किन कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज एक्वेरिन कंडक्ट होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मालदीव्स, राइट। तो अब 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज एक्वेरिन कंडक्ट हो रहा है कहां पर? मालदीव्स में। तो ये 14 डेज की एक्सरसाइज होती है बिटवीन दी आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। पहला, अब वही बात, कौन से क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज के टाइम पर? पहला तो कब, पहला एडिशन कब कंडक्ट हुआ? 2009 में। एक स्पेशल थिंग है अबाउट एक्वेरिन एक्सरसाइज, इसका जो एक्वेरिन का मतलब होता है वो होता है फ्रेंड्स इन मालदीवियन लैंग्वेज में एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। एंड लास्टली हमारा एक्सरसाइज का एम क्या है? टू इंक्रीज सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस, ट्रांसनेशनल टेररिज्म देखना लैंड एंड सी बोथ ऑन बोथ, एंड लास्टली टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के बारे में भी प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइज करना, राइट। तो पहला एडिशन 2009 में हुआ, 11th एडिशन अभी 2021 में हो रहा है कहाँ पर? मालदीव्स में हो रहा है। 14 डेज की एक्सरसाइज है, एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन मालदीवियन, ठीक है। तो याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन। Recently in December 2021, who among the following has been appointed as the Deputy Managing Director of International Monetary Fund? ठीक है, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या नाम है? इनको अभी दिसंबर 2021 में ही अपॉइंट किया गया है। ऑप्शंस क्या है? गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, जॉफ्री ओकुमातो या फिर नन ऑफ दी अबव। तो दीजिए इसका सही जवाब। यह है आपका होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगली वीडियो में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया सेशन तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके थ्रू आपको PDF मिल जाएगी आज के सेशन की, एंड हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@radiotap.co.in। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माय नेम इज देवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।